लैपटॉप में डिलीट फाइल को वापस कैसे लाएं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम जानेंगे, अगर आपके पास भी है लैपटॉप और उसमें से आपने कोई फाइल डिलीट कर दी है, यानी रिमूव कर दी है, और अब आप उसको वापस लाना चाहते हैं, तो कैसे ला सकते हैं, आइए जानते हैं। तो हर कंप्यूटर लैपटॉप में ये ऑप्शन दिया हुआ होता है, आपके पास कोई सा भी कंप्यूटर लैपटॉप हो, ये तरीका सब लैपटॉप में काम करेगा। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास ये फाइल है, तो हम इसको डिलीट करेंगे पहले और वापस लेके आएंगे। तो हम इसको राइट क्लिक करते हैं और नीचे की तरफ डिलीट का ऑप्शन है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। और यस करने को कहता है, तो कर दीजिए आप भी। आपने जो डिलीट करा होगा, शायद आपसे यस करने को बोला होगा। अब ये डिलीट हो चुकी है। अब वापस कैसे लाना है मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस करना है, ये वाला। फिर यहाँ पे आप सर्च करें रिसाइकिल बिन, RECY। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसाइकिल बिन आपको मिल जाएगा, ये आपको ज़रूर मिलेगा, आप इसे ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आप डेट के हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पे डेट लिखा होगा, यहाँ पे आपकी वो फाइल यहाँ पे आ चुकी होगी। तो आपकी फाइल जो है शायद नीचे ही आएगी, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है। ये देख सकते हैं MS वर्ड फाइल ऑफिस हमने लिखा था। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने यहाँ से भी डिलीट कर दिया है तो वापस नहीं लाया जा सकता है, पर यहाँ पे अगर फाइल आपको दिख रही है तो आप वापस लेके जा सकते हैं। सिंपल आप इसे ओपन कर लीजिए। तो हमारी फाइल यहाँ पर है, ये वाली। तो उसके दो तरीके हैं, आप उस फाइल पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको मिलेगा रीस्टोर। तो रीस्टोर करने से क्या होगा, ये फाइल वापस वहाँ पे जाएगी जहाँ से ये डिलीट हुई थी। पर यहाँ पे हमें एक दिक्कत है, जैसे कि हमने किसी फोल्डर के अंदर से डिलीट करी थी, तो ये फोल्डर के अंदर ही जाएगी और हमको ढूंढने में दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, आपको माउस पैड की मदद से इसको उठा के ऐसे करके डेस्कटॉप पे लेके आ जाना है। बस आपका काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपकी फ़ाइल वापस आ जाएगी और अब आप इस फाइल को यूज़ कर सकते हो। अगर चाहें तो दोबारा डिलीट कर सकते हो। शायद आपको समझ में आया होगा ये तरीका। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक सर्च बार मिल जाएगा, सर्च रिसाइकिल बिन। आप इसके अंदर उस फाइल का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, यानी डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो शायद आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।